हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज है आज आर्टिकल है वो है स्टार्ट इंडिया हैकाथन के बारे में। स्टार्ट इंडिया हैकाथन 2018 को लेकर आर्टिकल में जो पॉइंट्स है वो हम ये देख लेते हैं। भाई है क्या है स्टार्ट इंडिया हैकाथन, सबसे पहले इसको देखने की हम कोशिश करते हैं। इसमें देखो ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारे देश के स्टूडेंट है, यूथ है ना, उनकी एक्चुअली स्किल वगैरह को देखा जाएगा, उनके टैलेंट वगैरह को देखा जाएगा, उनके एक्सपीरियंस वगैरह को देखा जाएगा कि वो किस तरीके का काम कर सकते हैं। उन्हें तरह तरह के प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाएंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह बताई जाएंगी ताकि उनका टेक्निकल नॉलेज वगैरह को, उन सबको इनोवेशन वगैरह को चेक किया जा सके। इसके लिए स्टार्ट जो स्मार्ट इंडिया का उतना है ये स्टार्ट आयोजित किया गया। लास्ट ईयर भी आयोजित किया गया था और इस बार भी, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार इसमें काफ़ी सारे यूथ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट वगैरह। इसका देखो काफ़ी सारे इसमें और क्या प्रावधान होते हैं। स्टार्ट इंडिया हैकाथन है, इसमें जो स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया जो प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के, स्टार्ट नए स्टार्टअप्स वगैरह देना, नए इंटरप्रेन्योर्स को नए जॉब वगैरह देना या उनको नए अभियान वगैरह जो भी कुछ मिलते हैं उनकी एक तरीके से यह बेस तैयार करेगा। मतलब देखो आपको पता है कि कोई भी नए स्टार्टअप तैयार स्टार्ट होता है तो उसके लिए ऑब्वियसली नए नॉलेज, नए स्किल वगैरह की कब से चीज़ों की जरूरत होती है, तो उन सब के लिए एक तरीके से प्लेटफॉर्म का काम करेगा स्मार्ट इंडिया हैकाथन। इसी टैलेंट है उसको एक्चुअली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करेगी टैलेंट को देखेगी, अच्छा भाई इन लोगों के पास यही टैलेंट है और उसका कहाँ कहाँ यूज़ है वो हो सकता है। इसके साथ एक बात यह है कि इसमें जो भारत के यूथ है ना उनको चुनौती भरे टास्क दिए जाएंगे कि भाई मतलब काफ़ी तरह तरह के ताकि उनका नॉलेज को अच्छे से भारत निकाला जा सके और फिर उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन है यूज़ है वो किया जा सके। अभी कंटेक्स्ट एक्चुअली यह था कि इसे अभी होस्ट है वो किया गया है और किसके द्वारा इसे इंप्लीमेंट है, किसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया वो हम देख लेते हैं। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया वो किया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, जो कि आती है HRD मिनिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है प्रकाश जावड़ेकर जी वाली, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके द्वारा इसे होस्ट है वो किया गया और इसमें एक कंटेक्स्ट यह था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो प्रैक्टिस पार्टिसिपेट सी वो इसमें पार्टिसिपेट है वो कर रही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन है क्या और इसके बाद में किसने इसके होस्ट है वो ऑर्गेनाइज है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रिसोर्स एफिशिएंसी के बारे में। तो क्या है रिसोर्स एफिशिएंसी, यह एक नीति आयोग ने एक एक्शन प्लान बनाया है हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखो नीति आयोग ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनको किस ढंग से हमें यूज़ करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो यूज़ कर सके, कि ऐसा नहीं है कि हम जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको एक तरीके से अंधाधुंध यूज़ कर लें और फिर जो आगे अर्थ है उनको रीजनरेट नहीं कर पाए और हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है वो कुछ भी उसको ना मिले। तो इसीलिए इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि देखो जो भी संसाधन है हमारे अर्थ पर रिसोर्सेज हैं उनको हमें इस तरीके से यूज़ करना है, मतलब प्रॉपर ऐसे यूज़ करना है ताकि उनका मिसयूज़ ना हो, उनकी बचत भी करनी है ताकि उनको इन्वायरमेंट है जो हमारे अर्थ है उनको वापस रिकवर कर ले और जो इन्वायरमेंट के ऊपर भी हमें फोकस करना है ताकि इन्वायरमेंट को भी लॉस नहीं हो, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें वो छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध इनको यूज़ करते हुए सबको खत्म कर डालें रिसोर्सेज वगैरह को ले। तो मतलब रिसोर्सेज का एफिशिएंटली तरीके से यूज करने के लिए प्लान है वो बनाया गया, तो अभी इस पर साइन वगैरह वो किया गया थे और अभी नीति आयोग ने इसके लिए एक्शन प्लान वगैरह फ्रेमवर्क वो स्टार्ट किया है। तो ये ध्यान रखना कि नीति आयोग ने यूरोपियन यूनियन की हेल्प से इसे स्टार्ट है वो किया। ये कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है निक्सया औषधि पोर्टल के बारे में। तो निक्सया औषधि पोर्टल है वो एक्चुअली वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर लॉन्च है वो किया गया था, और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई वर्ल्ड टीबी डे था वो था कब, क्योंकि ये काफ़ी अहम है वो हमारे लिए हो जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में हम कि निक्सया औषधि पोर्टल के बारे में। देखो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी एक्चुअली टीबी के पेशेंट होते हैं ना उनके पास देखो मेडिसिन वगैरह तो प्रॉपर पहुंचनी चाहिए, टाइम पे पहुंचनी चाहिए और जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सब सप्लाई है वो होनी चाहिए। मतलब जो लॉजिस्टिक सिस्टम है मेडिसिन का, औषधि का, उसके लिए इस पोर्टल को बनाया गया है कि लॉजिस्टिक जो सप्लाई चेन है ना मैनेजमेंट वो, ताकि हो सके मेडिसिन वगैरह जिसको भी जरूरत है उसको मेडिसिन टाइम पे मिल सके, क्वालिटी वाली मेडिसिन मिले, डिले ना हो, और इसके साथ ही जहाँ जहाँ जरूरत है सभी एरियाज में एक्सेस है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए लॉजिस्टिक के तरीके से इस प्लेटफॉर्म का पोर्टल का आयोजन स्टार्टिंग वो की गई है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट का एक टीबी के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, रिवाइव्ड नेशनल टीबी प्रोग्राम था, उसके तहत ही इस निक्सया औषधि पोर्टल है इसकी स्टार्टिंग है गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना कि टीबी की जो दवाई है उनसे यह रिलेटेड है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है वो आती है निक्सया पोर्टल के बारे में। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, निक्सया औषधि पोर्टल है वो अलग चीज है और निक्सया पोर्टल है वो अलग है। तो एग्जाम में आप ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में एक्चुअली इधर उधर गलत कर दो। जो निक्सया पोर्टल है वो एक्चुअली टीबी के पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ताकि हमारे देश में जो भी टीबी के पेशेंट है ना उनको गवर्नमेंट मॉनिटर कर सके और उनके लिए फिर एक्शन वगैरह उठा सके। तो मेनली मॉनिटरिंग प्रोग्राम था, पोर्टल था वो था निक्सया पोर्टल, और निक्सया औषधि पोर्टल का मतलब है कि औषधि की सप्लाई वगैरह लॉजिस्टिक को अरेंज करना, मैनेजमेंट करना, ये हमें अच्छे से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है मेनली
लांजिया सौरा ट्राइब के बारे में। तो लांजिया जो सौरा ट्राइब है ये एक्चुअली उड़ीसा की ट्राइब है और इसके द्वारा एक पेंटिंग बनाई जाती है, इसका नाम है सौरा पेंटिंग, जो कि मड वॉल पे पेंटिंग बनाई जाती है। मतलब जो दीवार होती है कच्ची मिट्टी की, जो दीवार होती है एक्चुअली कीचड़ की दीवार बनाई जाती है घरों में गोबर वगैरह के थ्रू, उस दीवार की पेंटिंग है बनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्राइब कहाँ के यूपीएससी मेंस द फॉलोइंग में इसको पूछ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लांजिया सौरा ट्राइब है ये एक्चुअली उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। पेंटिंग तो एक्चुअली नाम से रिलेटेड है सारोवा, तो सारो आप समझ जाओगे, बट लोकेशन से देख लेना कि भाई है कहाँ उन से एरिया। अगली जो न्यूज है वो आई है माले डिक्लेरेशन या माले घोषणा के बारे में। तो क्या है भाई माले डिक्लेरेशन, ये एक्चुअली हमारे देश में नहीं, एक्चुअली साउथ जो एशियन कंट्रीज है ना वहाँ पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसकी जो डिक्लेरेशन है आई थी। तो अब आपको बताना कि माले एक सिटी का नाम है और वो कौन सी जगह है। देखो देखो हमने मैपिंग है पहले डिस्कस कर ली है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि माले सिटी वो कौन सी कंट्री में आती है। किस लिए माले घोषणा, यह है जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से एरिया में, साउथ एशिया में। ये आपको ध्यान रखना है कि साउथ एशिया में, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सार्क की जो कंट्रीज है वही साउथ एशिया में 8 कंट्रीज आते हैं, तो उनके नाम है वो एक्चुअली है वो आपको बता होगा अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक्चुअली यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट जाती है। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2017 वो जारी की थी, और इस रिपोर्ट में था क्या वो भी देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में ये था कि भाई पूरे विश्व में वेदर और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से अप्रोक्सीमेट $320 बिलियन का नुकसान है वो हुआ है, और देखा जाए तो साउथ एशिया के जो कंट्रीज है उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और अफ्रीका की कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है वो रही है सूखे की। तो ये इस क्लाइमेट रिपोर्ट का सार है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यूपीएससी पूछ सकती है किसके द्वारा जारी की जाती है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन की स्पेशल एजेंसी है, तो ये बात दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है SACEP के बारे में, साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो देख लेते हैं कि साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है क्या। देखो कंटेक्स्ट तो ऐसा है कि इंडिया और साउथ एशिया जो कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। किस लिए, ताकि जो ओशियन में ऑयल एंड जो केमिकल पोल्यूशन होता है ना साउथ एशिया के जो ओशियन वगैरह में, तो इसको ऊपर लगाम है वो लगाया जा सके। क्योंकि देखो साउथ एशिया का जो ओशियन है काफी ज्यादा पोल्यूटेड, एक तरीके से प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेप उठाने की बात की गई है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं जो हमारे लिए यहाँ पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कि यूपीएससी इसके बारे में चीजें वगैरह क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ सकती है, और ये हमारे लिए यहाँ पे काफी अहम है, वो हो भी जाते हैं। देखो बात ऐसी है, SACEP है, इसको 1982 में बनाया गया था साउथ एशिया की कंट्रीज के द्वारा। कौन कौन सी है साउथ एशिया की कंट्रीज, अफगानिस्तान आ जाती है, पाकिस्तान आ जाती है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। ये 8वां कंट्री सार्क के मेंबर है, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, और इन्होंने इन्होंने मिलकर इसकी स्टार्टिंग वो की थी ताकि साउथ एशिया के एरिया में जो भी पोल्यूशन वगैरह होता है ना मेरीटाइम एनवायरनमेंट, इसको सुरक्षित रखा जा सके। मेन मोटो ये है कि जो बंगाल का एरिया है, इंडियन ओशियन का जो एरिया है, या फिर जो एशिया पैसिफिक वाला थोड़ा बहुत जो एरिया था उस एरिया की एक्चुअली मेरीटाइम एनवायरनमेंट है उसको सारा सुरक्षित रखा जा सके। और इसमें इंडियन जो कोस्ट गार्ड है ना ICG वो एक्चुअली थोड़ा सपोर्ट कर रहा है ताकि कोस्टल एरिया में साफ सफाई के ऊपर फोकस किया जा सके, और जो ऑयल स्प्लिटिंग वगैरह होती है, ऑयल स्पिलिंग वगैरह, उसके ऊपर भी लगाम लगाया जा सके, और उसके लिए कुछ स्टेप उठाए जाएं ताकि जो इन्वायरमेंट या जो मेरीटाइम जो भी स्पीसीज है उनको लॉस वगैरह ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बात यह आती है कि इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना इसके साथ IMO के साथ मिलकर है काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि IMO है क्या, IMO के साथ मिलकर है काम करता है ताकि जो भी पोल्यूशन वगैरह की समस्या है इनके साथ निपटा रहा है वो किया जा सके। तो ये तो डिस्कशन थी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 के बारे में। यह एक तरीके का एक कैंपेन है जो कि HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है, ऑर्गेनाइज वो किया गया है। इसमें स्टूडेंट का जो टैलेंट है, स्टूडेंट की जो एक तरीके की टास्क है उनको टास्क दिए जाएंगे, इसके साथ उनका टैलेंट है वो देखा जाएगा कि वो किस तरीके से स्टूडेंट है प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, किस तरीके से अपना टेक्नोलॉजी इनोवेशन का जो आइडिया वो बाहर ला सकते हैं, इन सबको चेक किया जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि स्टार्टअप इंडिया और जो स्टैंडअप इंडिया अभियान है उसमें गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अगली न्यूज थी वो थी रिसोर्सेज एफिशिएंसी। रिसोर्सेज एफिशिएंसी थी वो नीति आयोग का एक प्लान बनाया गया था यूरोपियन यूनियन की हेल्प से, जिसमें ये प्रावधान था कि भाई रिसोर्सेज का हमें ऐसे यूज करना है ताकि उनको बचत भी की जा सके और इन्वायरमेंट को भी लॉस ना हो और फ्यूचर जनरेशन को मिल सके। इसके साथ ही हमने निक्सया औषधि पोर्टल और निक्सया पोर्टल के बारे में डिस्कस किया। निक्सया पोर्टल था वो तो टीबी पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए था, और निक्सया औषधि पोर्टल है वो एक्चुअली मेडिसिन की जो लॉजिस्टिक सर्विस है, सप्लाई चेन है, इसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन के लिए बनाया गया। ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, आपको याद रख लेना है। इसके साथ ही हमने उड़ीसा की एक ट्राइब है जिसको डिस्कस किया, वो थी लांजिया सारो ट्राइब जो कि उड़ीसा में है, इसकी पेंटिंग मड वॉल पेंटिंग है उसके लिए फेमस है।
नेक्स्ट न्यूज थी वो थी माले डिक्लेरेशन के लिए। माले जो घोषणा है वो एक्चुअली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साउथ एशिया वाले क्षेत्र में। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है वो भी हमने डिस्कस किया था, 8 कंट्रीज है। इसके साथ ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया जो कि यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, और स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई। इसके द्वारा उस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई वेदर और जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से पूरे विश्व में 320 बिलियन डॉलर का लॉस है वो हुआ है, और मेनली साउथ एशिया की कंट्रीज को भी भारी लॉस इसमें हुआ है। इसके साथ ही हमने SACEP के बारे में डिस्कस किया, किसने क्या क्या एग्रीमेंट किया, और मेनली साउथ एशिया का जो ओशियंस वगैरह इनको साफ सफाई के ऊपर फोकस है, इसमें क्या गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है वो निभा रही है। तो ये थी डिस्कशन, आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।